जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करती हूँ सब कुछ होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत देर में हो रही है, काफ़ी देर में हो रही है, क्योंकि सुबह से इतनी बिजी, टाइम ही नहीं मिल पाया। इतने सारे कपड़े वपड़े धोए और मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, पति देव भी ऑफिस, तो और मौसम भी इतना गंदा हो रहा है ना। मैं भी कपड़े फैलाने गई छत में, तो ऐसी गंदी हवा उड़ रही है पॉल्यूशन के कारण ना, आँखों में मिर्ची से लग रही है। और गले में ही फटाफट कपड़े फैला के आई नीचे। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से मिलूँ और ब्लॉग की शुरुआत करूँ। तो दोस्तों दिल्ली का मौसम इतना गंदा हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, दिखाती हूँ एक बार। ना ठंड है ना कुछ है, लेकिन इतना गंदा मौसम, बिल्कुल धुआं धुआं सा पॉल्यूशन है, सारे बीमारी की जड़। ये देखिए इतना गंदा मौसम। और दोस्तों देखो फूल भी अब दिन पर दिन खराब ही होते रहेंगे अच्छे होने के बजाय, फिलहाल तो ये खिल ही रहे हैं। मैंने लहसुन लगाया था कुछ दिन पहले ही, मैंने कहा थोड़ा सा कभी नमक पीसने के लिए, कभी पराठे में काटने कूटने के काम आता है और दाल के तड़के में, तो लहसुन ना फाइनली मेरा जम गया। अच्छा, और अभी ज़रा खाद डालूंगी इसमें। और क्यों ना आप लोग भी देखें मेरे लहसुन के गमले, इस अच्छा और क्या है। और दोस्तों पॉल्यूशन के कारण ना दिल्ली में छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, मेरे बच्चे तो क्या नहीं पढ़ रही हैं, लेकिन छोटे बच्चों की पड़ गई हैं जो 5 तक के बच्चे हैं, क्योंकि बीमारियां इतनी जल्दी लग रही हैं। जुकाम, आंखों में मिर्ची सी, मैं कह रही हूँ कि मैं 10 मिनट कपड़े बनाने के लिए गई, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पता नहीं क्या हो गया इस दिल्ली का। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। और जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो दिन आ भी चुका है, और हमें तैयारियाँ करनी है बहुत सारी, तो कपड़े और गर्म कपड़े भी निकालने हैं। तो गुन्नू टिम्मू का वेट करती हूँ, उन्हें स्कूल से आन देती हूँ, फिर निकालती हूँ गर्म कपड़े। फिलहाल उनके यहाँ तक खाना रेडी करती हूँ, रसोई घर में जाके बनाती हूँ खाना वाना, देखते हैं क्या बनता है आज खाने में, जो भी बनता है दिखाते हैं आपको भी। तो दोस्तों फाइनली मैंने गर्म कपड़े निकाल दिए आधे, निकाल के अपने पति देखे तो मैंने लगाए दिए पूरी अलमारी में, और बच्चों के भी निकाल देती। और अब बच्चे आ गए स्कूल से, तो उनको देते हैं खाना वाना, हम भी खाना खाते हैं। आगे कार्रवाई टिम्मू के आने के बाद शुरू करूंगी। ये देखो पूरा फैला रखा है, पूरे फैला फूल के ऐसे रख रखे ना अलमारी, ये देखो। ठंडे नहीं है लेकिन गांव में ठंड है, तो गर्म कपड़े निकाल रहे हैं हम लोग, जाएंगे हमारे गर्म कपड़े। तो मैंने आज बनाई है बड़ी की सब्जी, क्या मज़ेदार, और चावल, कभी टिम्मू का वो टेढ़ी, कभी गुन्नू टेढ़ी। दोस्तों इतनी फर्स्ट क्लास मैंने बड़ी की सब्जी और चावल बनाया है, नकरुद्दीन कह रही है मुझे नहीं खाना है वाला, अब उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ, गोभी की सब्जी है सुबह की, मैं रोटी खा लें, और इतनी टेस्टी दिख रही है, मैं टिम्मू लेंगे खाने का आनंद आराम से। उसके लिए और सब्जी भी रखी पड़ी है, गोभी की रोटी खाएगी और हम तो ये खाएंगे बड़ी की सब्जी और भात। तो एक हमारे घर में बदतमीज कह रही बड़ी की सब्जी और चावल नहीं खाऊंगी, ये देखो कह रही ऐसे बना, क्या 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 कहा तुमने, क्या बना देते हो, मैंने कुछ बोला नहीं, बस चुप बदतमीज, शक्ल इतनी बेकार हो रही है, इतनी अच्छी शक्ल है देखो, और कह रही इतनी शक्ल बेकार हो रही है, रोज सुबह गोभी बना देती है आपका भी मम्मी। और दोस्तों मैंने इसके वजह से ना बेसन डाला आज बड़ी की सब्जी में, ये कहते हैं कि मुझे आटे की भुनी सब्जी अच्छी लगती है, मैंने बेसन बनाया। देखो नखरे तो क्या बनाऊं, दाल भात, रो रो दाल भात, रो रो दाल भात चाहिए। देखो दोस्तों देखो चार दिन से कब बाहर नहीं रखा, पार्टी में थे हम, हाँ तो कल पार्टी में थे, परसों बात नहीं बनाया, परसों क्या कर रहा था, बात नहीं बनाया, परसों मार्केट गए थे तो कैसे बात बनता, तो वही तो ये सब्जी। दोस्तों मार्केट से घर आ गई और सब्जी सब्जी लेके आई, इतना काम किया, इतने में घर आई तो देखा गुन्नू टिम्मू ने यहाँ बिल्कुल बाजार बना रखा है। देखो देखो सेटिंग सोटिंग चल रही है, पूरा मेरा बेड ऐसा बना रखा है इन दोनों ने, और ये अपनी मौसी से बात कर रही है, मौसी का फोन आ रखा है तो मौसी आनंद ले रही है बात करने का। ये देखिए पैकिंग चल रही है इनकी, जल्दी जल्दी से पैकिंग हो रही है। हाय गाइस, हमारी मौसी से मिलो, ये देखो मौसी से बात चल रही है उसकी फोन में, ये देखो ये मम्मी को पीछे तेरे को किसने बोला, ले दिखा दिखा बोल, जय श्रीमन्नारायण। देखो दोस्तों भूमि हमारी वहीं से वीडियो में बात कर रही है, अभी लब्बू नहीं है वो बोलती है, और गुनू इसको फटाफट समेटो, इतना सब फैला रखा तुमने, ये चल रही है जोर शोर के साथ पैकिंग सैकिंग चल रही है, कपड़ों की भी ज्वेलरी की भी, और मैं भी अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, लेकिन उससे पहले मंदिर में जोत करती, इन्होंने जोत भी नहीं करी आज, दोनों मैंने गप मार रही है मौसी से अपनी, सामान फैला रखा है, और मैं जाती हूँ मंदिर में करती हूँ जोत भगवान जी की। ये दोस्तों जोत कर ली मैंने मंदिर में अपनी, और आज ना मैं आपको शाम को दिखा रही हूँ अपने भगवान जी को,
भगवान जी के दर्शन शाम को करवा रही हूँ। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी भगतों की लगी है कतार भवानी। मैं तो रस्ते में आ गई, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और टिम्मू टेंटा कर दी, मम्मी आलू बती सब्जी मत बनाओ, खाने पीने में इतने नखरे करती है मम्मी, वो मत बनाओ ये मत बनाओ, बताओ क्या बनाना हुआ। मैं आज पहली बार बथुआ लेके आई हूँ और आलू बथुआ मैंने काट दिया है ये देखिए बिल्कुल, और प्याज भी कटाया, तेल चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ाने की तैयारी हो रही पूरी। इनको देखती हूँ क्या कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे आपस में, ये देखो इनका बाजार बंद नहीं हो रहा तब से दोनों को देखो। एक सरप्राइज दिखाना आज, ये देखो एक सरप्राइज टिम्मू के, हमने बाल कलर कराया आज, देखो टिम्मू यार गुन्नू ये बेड संभाल दो मेरा चुपचाप से, मैं तुम्हारा ये देखो देखो दोस्तों कैसे इन्होंने मेरा मेरा बेड की इन्होंने ऐसा हाल कर दिया ना, पूरा बाजार जैसा बना के फैला रखा है। गुन्नू पापा आने वाले, इनको सही कर लो चुपचाप से, देखो जरा इन दोनों को, ये एक घंटे से लगे ये लोग रूम में और सामान बिखरा के फैला के ऐसा कर रखा है इन्होंने, और पैकिंग नहीं हो रही थी तब से उस सामान की, सारा कॉस्मेटिक का सामान फैला रखा, मैंने लत्ते कपड़े पैक करे और सब्जी बनाने आ गई मैं किचन में, लेकिन इनकी नहीं छोड़ो ना, अभी पापा आने वाले अपना डांटेंगे। दोस्तों खाना खा पी के रेडी हो गई, दिखाई मैंने आपको आज मैंने क्या बनाया था, और सुनिए तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत पैकिंग वुकिंग भी कर ही लिया हमने, बैग रख दिए पैक करके, और टिम्मू बिल्कुल खुश है जाने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल नहीं जाना होता कल, टिम्मू वेट कर रही है कि कोई मैसेज आ जाए स्कूल का, छुट्टी का है ना टिम्मू, ऑनलाइन क्लास, हाँ कह रही है ऑनलाइन क्लास का मैसेज आया तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, बार बार फोन देखे जा रही है, बार बार फोन देखे जा रही है लेकिन मैसेज नहीं आया, और सुबह उठ के मैसेज देखे, पहले मैं बता दूंगी अगर आया होगा तो। दिल्ली में तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, गुड़गांव में नहीं पढ़ी है, लोग गुड़गांव जाते हैं ना तो इनके भी पढ़े नहीं है, है ना, हाँ। तो टिम्मू वेट में है और टिम्मू का जुकाम भी लगा थोड़ा बहुत, मैं काम करने जा रही हूँ, चल काम कर, आप काम करेगी क्योंकि कल स्कूल में दिखाना है, मौज मस्ती में थे अभी तक काम करा नहीं, करो काम, गुन्नू सो गई, तो ये दोनों अपना काम करने पर लग गए स्कूल का, इनको छोड़ देते हैं, अपना काम हम करते हैं और हम खा पी के रेडी हो गए हैं, करते हैं सोने की तैयारी। आज मेरे पतिदेव भी थोड़ा लेट आए थे, 9:30 बजे आए थे, तो 10:30 का टाइम हो गया, अब स्कूल का काम करने बैठे हैं, मैं तो करती हूँ रेस्ट, सुबह से इतना थक गई आज, बहुत सारे इतने कपड़े धोए, गर्म कपड़े निकाले, पैकिंग वैकिंग करी, गर्म कपड़ों की सेट करे, तो इसी में पूरा दिन निकल गया, और इतना गंदा मौसम हो रहा बाहर का, मैंने आपको दिखाया अपने ब्लॉग में कि दिल्ली का मौसम इतना गंदा इतना पॉल्यूशन, पर कोई नहीं देखते हैं झेलते हैं जब तक झेलता है, तो ठीक है दोस्तों सुनी तैयारी करते हैं और कल आपको मिलती है नई उमंग नई तरंग और नई ताज के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड, जय श्रीमन्नारायण।